हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का टॉपिक। और इसके अंदर जैसे कि आपको पता है और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, तो देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट। सो वहां पर हमने फ्लो चार्ट के थ्रू देखा था। तो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को हमने दो सेक्शंस में बांटा है। जो पहला सेक्शन था उसमें हमने बेसिक पॉइंट के थ्रू हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम इजीली समझ लिया था कि बेसिकली हो क्या रहा है। मतलब सिंपली हो क्या रहा है वो सब कुछ हमने देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स, वो सब कुछ देखा। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि सेक्शन टू दैट इज नेफ्रॉन किडनी। जैसे कि आप टॉपिक भी देख सकते हैं नेफ्रॉन किडनी, मतलब क्या हम जो सेक्शन टू है इसमें किडनी के अंदर जाके और डीपली थोड़ा सा देखने वाले हैं कि जो हमने बात की थी कि जो किडनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो वही हम देखने वाले हैं कि किडनी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, राइट। सो वही हमारा सेक्शन टू अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नेफ्रॉन किडनी। तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम्स देख लेंगे, पहले समझ लेंगे कि क्या क्या है उसके अंदर, और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ेंगे, राइट। सो सबसे पहले आते हैं हम किडनी की तरफ। सो देखो सबसे पहले इसमें फिल्ट्रेशन हो रहा है, राइट। देखिए ये पूरा किडनी है, जैसे कि आपको पता है दो किडनीज है, पेयर ऑफ किडनी बोलते हैं, राइट। दो किडनीज है, सो ये एक किडनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज टूवर्ड्स दैट साइड, सो दिस इज वन साइड किडनी, राइट। सो अब इसमें क्या हो रहा है, ये रेनल वेन है और ये रेनल आर्टरी रेड वाली, राइट। सो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आ रहा, राइट। सो रेनल आर्टरी ऐसी है, रेनल वेन ऐसी है, राइट। अब ये ऐसे जा रहा है यहाँ पर, राइट। अब इससे क्या कनेक्टेड है, ये ग्लोमेरुलस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ नए टर्म्स है जो आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये दो चीजें कनेक्टेड है, ओके। ये जो ब्लैक ट्यूब है ये पहले तो चीज रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है, और ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रहा है आपको ब्लैक वाला दूसरा है, वैसा ही जो इस बॉल से कनेक्टेड है वो है रेनल वेन, ओके। किससे कनेक्टेड है, ये रेनल वेन से कनेक्टेड है, और ये नीचे एक और ट्यूब जा रहा है जिसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड फिल्टर में क्या हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, अभी सारी बातें करने वाले हैं। और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट, और उसके बाद फाइनल जो हम देखते हैं कि एक ट्यूब निकल रहा है, जैसे कि रेनल वेन और रेनल आर्टरी इस तरफ जाते हैं, उसी के बाद एक यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करते हुए, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करते हुए यूरेटर आता है। तो ये है पूरा ऐसा यूरेटर का स्ट्रक्चर, देखिए ये ऐसे यूरेटर है और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो ये हमारा किडनी का इनसाइड पार्ट जो बड़ा ही सिंपली यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, इतना जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको और डीपली देखते हैं, ओके। और डीपली मतलब क्या, ये है नेफ्रॉन हमारा, ओके। नेफ्रॉन ये जो यहाँ पर स्मॉल पार्ट दिख रहा है आपको किडनी में, ओके, ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, ओके। बेसिक पॉइंट के थ्रू हम कवर करने वाले हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, और उसका एक ये पूरा जूम्ड वर्जन है यहाँ पर, पूरा हम और डिटेल में और स्पेसिफाई करके देखने वाले हैं। तो इसमें है क्या, देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पहला ट्यूब है वो रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है, ओके, रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है, और जो दूसरा ट्यूब है जो पूरा ऐसे ऐसे जा रहा है, देखो वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे 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 जाएगा और फिर रेनल वेन से कनेक्ट होगा, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है और फिर रेनल वेन से फाइनली कनेक्ट हो रहा है। तो जो भी खेल है पूरा साफ चीज और खराब चीजों को सेपरेट करने का, वो सारा का सारा यहाँ पर हो रहा है, राइट। सो देखो ये है हमारा ग्लोमेरुलस, जो आप जो बॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये सी शेप्ड कप में, ओके, सी शेप्ड कप में जो आपको बॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ओके। और उसके बाद ये जो सी शेप्ड कप है, जैसे मैंने बोला कि जिसके अंदर आपको बॉल दिख रहा है, बॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल। अब इन सबके फंक्शन क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के इसमें। सो ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल। अब इसी नीचे आप देख सकते हो ये ऐसा ट्यूब जा रहा है, और फिर यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट, जो ये हमने देखा कलेक्टिंग डक्ट, ये इससे ज्वाइन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिब्यूल बोलते हैं, टिब्यूल, ओके। और उसके बाद ये जो लाइन है, ये जो ट्यूब है,
ओके ये जो ट्यूब है ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है राइट, ये जो ट्यूब है ऐसे कंटिन्यू हो रही है और फिर ये रेनल वेन में जुड़ी है। अब यहाँ पर ये ब्लैक है, फिर यहाँ पर कैपिलरीज की तरह दिखा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे राइट। और उसके बाद यहाँ पर यूरिन फॉर्म हुआ, ओके यहाँ पर यूरिन है और बाकी के तरफ से जैसे आप देख सकते हो यूरिन फ्रॉम अदर ट्यूब्यूल, जैसे ये एक ट्यूब्यूल है वैसे ही बहुत सारे और भी ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब्यूल है वैसे यहाँ पर भी एक ट्यूब्यूल होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होंगे, तो वहां से भी यूरिन आएगा और फिर ये यूरेटर की तरफ पहुंचेगा और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पहुंचेगा। तो ये था हमारा डायग्राम। जैसे कि हमने बोला कि पिछले इसमें पहला जो सेक्शन था हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में, तो उसमें हमने बेसिकली क्या किया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझा, ओके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझा। उसमें हमने चार मेन चीजें देखी थी, हमने बोले थे देयर आर फोर मेन कंपोनेंट्स इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके दैट इज हमारा जो ट्यूब्यूल हो गया वगैरह ये सारी चीजें, आर्टरीज वगैरह ये सारी चीजें, उसमें से यूरिनरी ब्लैडर, ओके देन यूरेटर एंड देन किडनी, ऐसे कुछ चार मेन कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। पर उन चीजों में, उन चार में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी हमने और उस पर ही फोकस किया था हमने कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज किडनी। अब किडनी इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? किडनी फेलियर आपने सुना होगा राइट, किडनी फेलियर मतलब क्या, मीन्स वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा। और बेसिकली किडनी का फंक्शन क्या है, टू सेपरेट द क्लीन ब्लड एंड डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड में क्या है, सारे यूरिया वगैरह जैसे कि हमने डिस्कस किया, और क्लीन ब्लड में क्या है, जो भी यूजफुल चीजें हैं जो हमारे बॉडी के मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बॉडी के लिए, वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं, ये सारी चीजें राइट। सो इनको अलग करना, ओके इनको सेपरेट करना, यही है एक बेसिक एंड मेन फंक्शन ऑफ किडनी। और ये कर कौन रहा है किडनी के अंदर, दैट इज नेफ्रॉन्स, ओके किडनी के अंदर एक ही, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ही नेफ्रॉन है, तो ऐसा बड़ा वाला नेफ्रॉन नहीं होता राइट। टू सिंपली यू शुड अंडरस्टूड दैट इज व्हाई इट इज विंड्रॉट। बट ये जो किडनी है ये बहुत सारे नेफ्रॉन से बनी हुई, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर क्लीन और आप बोल सकते हो यूजफुल, ओके यूजफुल और हार्मफुल ये दोनों चीजें अगर मिक्स हो गई और फिर वो यूरिन के फॉर्म में अगर पास आउट होती है, तो फिर जो यूजफुल चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए काम आ सकती थी, हमारे न्यूट्रिशन वगैरह जो भी हो गया राइट, हमारे लिए यूजफुल थी, वो सारी की सारी चीजें चली जाएंगी, ओके सो इसी को वो सेपरेट करता है, ओके इसी को वो सेपरेट करता है, दैट इज व्हाई किडनी इज इंपॉर्टेंट राइट। सो यही किडनी है पूरी, इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है जो हमने बात की थी कि ये कैसे हो रहा है, कि पहले तो रेनल आर्टरी से हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही सब्सटेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद रेनल वेन से यूजफुल सब्सटेंसेस वापस बॉडी में जा रहे हैं और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ रहे हैं, तो किडनी में ऐसा हो क्या रहा है, वही सब कुछ हम नेफ्रॉन के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ओके सो पहले बेसिक पॉइंट के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन कहां पर कनेक्टेड है, कैसे होने वाला है सब कुछ, और फिर प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके सो सबसे पहला पॉइंट, दैट इज ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो जैसे कि ये हमारा पहला पॉइंट था, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट यहां पर नेफ्रॉन में क्या बताता है, एंड किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो जैसे कि मैंने बात की कि यहां पर जो किडनी दिख रही है आपको, इसमें आपको एक ही नेफ्रॉन दिखेगा राइट, सो यहां पर एक ही नेफ्रॉन नहीं होता, बहुत सारे लार्ज नंबर टाइनी टाइनी नेफ्रॉन्स होते हैं जिससे ये पूरी किडनी बनती है, ओके जिससे पूरी किडनी बनती है। और उसके बाद इन्हीं नेफ्रॉन्स को यहां पर क्या बोला गया है, जैसे कि आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट्स, ओके नेफ्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी यूनिट्स, ओके सो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जो किडनी है इट इज मेड अप ऑफ ईच किडनी, ओके ईच किडनी क्यों बोला, बिकॉज देर आर पेयर ऑफ किडनीज, ओके मतलब दो किडनीज है, तो जो हर एक किडनी ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। अब देखो जो ये नेफ्रॉन है राइट, इसका जो अपर पार्ट है ये बोमेंस कैप्सूल से जुड़ा हुआ है। अब इसकी तरफ आते हैं, सबसे पहले देखो इससे आपको क्लियर होगा, जो नेफ्रॉन है इसका जो अपर पार्ट है वो बोमेंस कैप्सूल है राइट, और उसके बाद जो लोअर पार्ट है बोमेंस कैप्सूल का वो ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, एंड आफ्टर दैट
आफ्टर दैट ये दोनों ही पूरे नेफ्रॉन को बनाते हैं. मतलब क्या, द अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन हैज बोमेंस कैप्सूल. ओके, जो अपर एंड है मतलब ये पूरा है, ये एक नेफ्रॉन है, ऐसे समझो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा एक नेफ्रॉन है. ओके, सो जो अपर हाफ है, अपर पार्ट है नेफ्रॉन का, वो है बोमेंस कैप्सूल, और जो बोमेन कैप्सूल का लोअर ये बोल सकते हो एंड है, वो है टिब्यूल से जुड़ा हुआ. ओके, एक ट्यूब शेप्ड इससे जुड़ा हुआ है, दैट इज टिब्यूल, जिसको हम टिब्यूल बोलते हैं. सो ये जो बोमेंस कैप्सूल और टिब्यूल है, ये दोनों को एक साथ रखा गया तो ये एक नेफ्रॉन बनाते हैं. राइट, जैसे बोमेंस कैप्सूल और ये पूरा टिब्यूल है, ऐसा नहीं कि यहां तक ही टिब्यूल है, राइट, ये पूरा टिब्यूल है, राइट, वैसे ही हर जगह से आ रहा है. सो यहां पर एक ये पूरा टिब्यूल है, तो ये जो बोमेंस कैप्सूल और टिब्यूल, इन दोनों को अगर साथ में देखा जाए तो ये पूरा एक नेफ्रॉन बनाते हैं. तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरा एक नेफ्रॉन है. ओके, सो ये पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए. पहले दो पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि हर किडनी, ईच किडनी, ओके, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स. बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट्स को साथ में लाने के बाद एक किडनी बनती है. ओके, सो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. यहां से दो पॉइंट निकलते हैं हमारे, कि जो किडनी है वो लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन से बनी है, और जो नेफ्रॉन है हम इसको एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट बोल सकते हैं. एक नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट, नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट, सिंपल सी बात है.